मेरा नाम लाली है। पहले मैं ठीक ठाक थी, बढ़िया, और अचानक से दर्द हुआ। मेरे बेटा मुझे दवाई दिलाई, उसमें थोड़ा आराम हुआ। फिर वहाँ ले गए शारदा हॉस्पिटल, वहाँ सीटी स्कैन हुआ, उसमें ट्यूमर बताया। फिर मैंने अपने दोस्तों के पास कॉल करके कई लोगों से मैंने राय ली। उन्होंने मुझे धर्मशिला हॉस्पिटल के लिए सलाह दी और मैंने बिना देरी किए मैं धर्मशिला अपनी मम्मी को साथ लेके चला आया। जब मैं आया तो मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर अभिषेक मित्रा जी से हुई, जहाँ उन्होंने बहुत नेचुरली, मैं थोड़ा सा सहमा हुआ था, उन्होंने बोला रिलैक्स हो जाइए। हम रिलैक्स होने हो गए और तकरीबन 2 घंटे के आसपास हमसे बातें की और सारी बात विस्तार से सुनी और अपना व्यू देना शुरू किया। जब यह पेशेंट हमारे पास आए थे तो इन्होंने कुछ बाहर की जांचें ऑलरेडी करा रखी थी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, और ये काफ़ी जगह पहले दिखा चुके थे। और बाहर की जांचें मैंने बारीकी से स्टडी करी और क्योंकि इनका सीटी स्कैन पुराना हो गया था तो हमने इनका एक फ्रेश ट्राईफेजिक सीटी स्कैन कराया गया। इस ट्राईफेजिक सीटी स्कैन के हिसाब से गॉलब्लैडर में जो गांठ थी उसने लिवर के एक हिस्से को छोटी आंत यानी ड्यूओडेनम, बड़ी आंत यानी कि कोलन, और पेट के अंदर की परत एब्डोमिनल वॉल को भी इन्वॉल्व कर लिया था। इसके अलावा सीटी स्कैन में छाती में या पेट में कहीं और कोई स्प्रेड नहीं दिखा। और ये सीटी स्कैन होने के बाद जो इम्प्रेशन था, जो डायग्नोसिस था, वो ये था कि एक लोकली एडवांस्ड कैंसर है गॉलब्लैडर का लग रहा था। और इसके बाद मैंने जो प्लान बनाया इनके लिए वो ये था कि पहले हम कीमोथेरेपी देंगे और कीमोथेरेपी का रिस्पांस देखने के बाद हम सर्जरी करेंगे। हमने एक सुई का टेस्ट कराया कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले, क्योंकि हम कैंसर का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करना चाहते थे और जैसा हमने सोचा था वैसे इसको सुई के टेस्ट में कैंसर आया इस पेशेंट को, और फिर हमने इनको कीमोथेरेपी स्टार्ट की। कीमोथेरेपी होने के दौरान ही, उस दौरान दिल्ली में कोरोना काफ़ी विस्तार कर चुका था और हमें काफ़ी डर था कि कोरोना वजह से हमारा इलाज रुक ना जाए। फिर हम हॉस्पिटल आते रहे रेगुलर। आने के बाद हमने देखा हॉस्पिटल के गेट पर ही स्क्रीनिंग होती थी, मास्क चेक किया जाता था, सैनिटाइज किया जाता था, मतलब इतना जबरदस्त सिक्योरिटी थी कि जिसकी वजह से बिना कोई सैनिटाइज या मास्क बिना कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से हम निश्चिंत हो गए कि हम कोरोना में भी आराम से इलाज करा सकते हैं। कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद सर्जरी एडवाइस करी। इस सर्जरी में हमने पहले लैप्रोस्कोपी करी, और लैप्रोस्कोपी इस केस में इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि लैप्रोस्कोपी में हम ऐसी छुपी हुई बीमारी जिसे हम पेरिटोनियल डिजीज़ कहते हैं देखना चाहते थे, जो पेट स्कैन पे भी पता नहीं चलती है, पिकअप नहीं होती है। और अच्छी बात यह है कि लैप्रोस्कोपी पे कोई बीमारी कहीं स्प्रेड नहीं था। फिर इसके बाद हमने इसका प्रॉपर कैंसर का ऑपरेशन किया, जिसे हम रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें कि हमने गॉलब्लैडर की गांठ के साथ साथ लिवर का एक हिस्सा, जिसे हम सेगमेंट 4B5 कहते हैं, और पेट के अंदर की परत निकाली, क्योंकि वो इन्वॉल्व थी, एब्डोमिनल वॉल की कुछ मसल्स निकाली, और लिम्फ नोड्स, पोर्टल लिम्फ नोड जिसे हम ग्रंथियाँ कहते हैं, जिसमें कैंसर के सेल्स होने की उम्मीद होती है, वो भी निकाले। अच्छी बात ये थी कि इनके बड़ी आँत और छोटी आँत गांठ से इन्वॉल्व नहीं थे, और इसलिए हमने बड़ी आँत और छोटी आँत को स्पेयर किया यानी निकाला नहीं। ये ऑपरेशन काफ़ी टेक्निकली अच्छा हुआ और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था सर्जरी के बाद, और पेशेंट की जो रिकवरी थी सर्जरी के बाद वो काफ़ी अच्छी थी। पेशेंट को 1-2 दिन ICU में रखने के बाद हमने वार्ड में शिफ्ट किया और 7वें-8वें दिन हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। हमने दोबारा कीमोथेरेपी कराई, आज हमारी लास्ट कीमो हो चुकी है और हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, और मम्मी को अभी तक फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पेन है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा है। जो ऑपरेशन वजह थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्द, बाकी एकदम स्वस्थ हैं, भूख भी अच्छी लगती है और वेट भी बढ़ चुका है, और आप आगे आपके सामने हैं। हमें बहुत कोऑपरेट किया और हमें कोई भी क्वेरी होती थी वो बहुत रिलैक्स होकर हम बताते थे, और वो कहते कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के डॉक्टर अभिषेक मित्रा जी, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने हमारे केस को इतना स्टडी लिया और उन्हें बीच बीच में भी मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, बीच बीच में हमें सलाह देते रहे और उन्होंने कभी मॉरल डाउन होने नहीं दिया।
और मैं यहाँ के पूरे समस्त स्टाफ, पूरे हॉस्पिटल धर्मशाला हॉस्पिटल और यहाँ के समस्त स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इलाज में बहुत सहयोग किया। इस केस से जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि गॉलब्लैडर के कुछ लोकली एडवांस केसेस, जैसे कि इस केस में जिसमें कि गॉलब्लैडर ने की गांठ ने लिवर के एक बड़े हिस्से को, आंत को इन्वॉल्व कर लिया हो, ऐसे केसेस में हम मल्टी मोडालिटी अप्रोच अपनाएं, जैसे कि हम कीमोथेरेपी करें और फिर ऑपरेशन करें तो बेटर रहता है। क्योंकि जैसे हमने इस केस में देखा कि कीमोथेरेपी के बाद जो गॉलब्लैडर की गांठ थी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया और हम फिर कैंसर को अच्छे से निकाल पाए और हमने बड़ी आंत और छोटी आंत को पेशेंट की बचा लिया और ऑपरेशन का स्तर भी कम हो गया और हमें ऑपरेशन के बाद एक सेटिस्फैक्ट्री आउटकम मिला। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर डिटेक्ट हो जाए वो बिल्कुल भी ना घबराएं, वो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, इलाज संभव है और वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्वस्थ जी सकते हैं। जब मैं ऑपरेशन के लाए गए मुझे, मैं बहुत घबराई हुई, पता बचे हूँ या ना बचे हूँ, मेरे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं मेरे चक्कर में और आज मैं ऑपरेशन में ठीक होगा, आज मैं सोचती हूँ बढ़िया ठीक ठाक, मैं अब जा रही हूँ अपने घर।